किस्मत का ताला खोलेगा आप लोगों का यह उपाय। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आप लोगों के बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। और क्या है यह उपाय, ये सभी जानने के लिए आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या फिर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो हम जो आपको बता रहे हैं एक ऐसा उपाय जो सच में आपकी किस्मत का ताला खोलकर आपको भाग्यशाली बना सकता है। बशर्ते आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम बाबा की द्वारका माई से, जी हाँ, बाबा की द्वारका माई है जहाँ साक्षात बाबा की अग्नि जल रही है 1972 से, और बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित है। तो अगर आप भी इस दरबार के लिए अपनी सेवा प्रेषित करना चाहते हैं, अपने जीवन में आने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो बाबा की अखंड धुनी व अखंड ज्योत के लिए 1 माह का तेल, 1 माह की लकड़ी जरूर दान करें अपने परिवार जनों के नाम से। और साथ ही अगर आप सभी इस द्वारिका माई के सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है ज्वाइन बटन, उसे ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। जी हाँ, बाबा की द्वारिका माई से ये बहुत ही पावन और जाना माना उपाय है जिसे शायद ही आपने अभी तक सुना होगा और यह किया होगा, जो आपकी बंद किस्मत का ताला को खोल सकता है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार या गुरुवार को जाएं। जी हाँ, दिन का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप किसी भी दुकान पर जाकर गुरुवार के दिन एक स्टील या लोहे का ताला खरीद ले। ध्यान दीजिएगा, आपको गुरुवार के दिन जाकर स्टील या लोहे का ताला को खरीद लेना है। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ताला बंद होना चाहिए। जी हाँ, जो आप ताला खरीदें वो बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना आप खुद खोलें। जी हाँ, ना आप उसे खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताला सही है या नहीं यह भी जांचने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस उस बंद ताले को खरीद कर आप ले आए। कहाँ लाना है तो पता है आपको, अपने घर पे ले आना है। अब उस ताले को आप एक डिब्बी में रखें और गुरुवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें, और शुक्रवार की सुबह उठकर स्नान आदि से नहा धोकर उस ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रख कर बिना कुछ बोले, बिना पलटे आपको क्या करना है, वापस अपने घर आना है। और विश्वास और श्रद्धा रखें कि कोई उस ताले को जब खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना माना प्रयोग है अपनी किस्मत चमकाने के लिए, आप इसे जरूर आजमाएं। और अगर इससे अगर आपको लाभ होता है तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। हम मिलेंगे इसी तरह के खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर पे कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो आप ये काम कीजिए और तुलसी का जो हमने आपको जो उपाय बताया उसे जलाइए। भगवान की कृपा से आपके घर में हमेशा सुमत ही सुमत आएगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो से, इस उपाय से आपको लाभ होता है तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।